सांप्रदायिक सौहार्द के लिए झुंझुनू समय समय पर नई मिसाल पैदा कर रहा है। एक बार फिर झुंझुनू के सिंघाना के ग्रामीणों और व्यापारियों ने एक मिसाल पैदा करते हुए मुस्लिम पल्लेदार के पुत्र को निकाह से पहले घोड़ी पर बैठाकर एक मिसाल पैदा की है। घोड़ी पर बैठा यह युवक है सिंघाना का आसिफ, जिसका कल निकाह है। लेकिन निकाह से पहले उसे हिंदू रीति के मुताबिक न केवल घोड़ी पर बैठाया गया है, बल्कि उसका बांध कर बिंदोरी भी निकाली गई है। यह काम उसके परिवार ने नहीं, बल्कि परिवार से जुड़े हिंदू व्यापारियों और ग्रामीणों ने किया है। आसिफ के पिता सबीर खान सिंघाना के पत्थर मार्केट में मजदूरी यानी कि पल्लेदारी का काम करते हैं। मैं बांध दिया गया पत्थर मंडी से और बनौरी भी निकाली गई। उसमें मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता को मतलब कायम किया है, मिसाल को कायम किया है। और इसमें मैं हमारे रिश्तेदारों को, हमारे रिलेटिव जो भी हैं उनको बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम मतलब इसे मिसाल को कायम रखेंगे, हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखेंगे। ग्रामीण बताते हैं कि आसिफ और उसके परिवार से भी क्षेत्र के लोगों का लगाव है। वहीं अब चुनावी मौसम है, इसलिए जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वहीं पार्टियां भी टिकट वितरण में जाति व धर्म को प्रमुखता दे रही है। ऐसे में उन्हें जवाब देने और एक संदेश देने के लिए ग्रामीणों ने यह बीड़ा उठाया है। लोग चुनाव में जाति और धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगते रहते हैं, और हमने इस बाजार के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की कि एक मुस्लिम लड़के की शादी है, उसको यहाँ दुकानों पे बुला के सभी ने इकट्ठा होके और ऐसी मिसाल कायम की कि उसके डीजे और घोड़ी के साथ उसको बनोरी दी। सब दुकान वाले इकट्ठे हुए और पूरे बाजार के अंदर नाचते गाते हुए उसको घर तक लेके गए। घर से उनके पूरे परिवार को दुकानों में बुलाया, दुकान में बुला के हमसे जो हुआ वो सब कुछ किया। और ये मतलब हमने इसीलिए किया कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लोग जाति के पीछे दौड़ रहे हैं, और हमने उस जाति जाति और धर्म के खिलाफ जाके और ऐसा काम, ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हैं कि चुनाव में भी ऐसा ही हो। आसिफ के पिता सबीर खान का व्यवहार व्यापारियों को पसंद था। वहीं आसिफ भी व्यापारियों से लगाव रखता है। ऐसे में व्यापारियों को जब आसिफ के निकाह की जानकारी लगी तो उन्होंने उसकी बिंदोरी निकालकर डीजे के साथ खुशी मनाने का निर्णय लिया और पूरे समाज को भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम भाइयों को हमने मार्केट वालों ने के नाम बनोरी दी और उस भाईचारा कायम करने के लिए, और उसने नाच गाना हमने किया और सब भाइयों ने उसमें शामिल हुए, भाईचारा कायम किया। व्यापारियों का यह भी कहना है कि पत्थर मार्केट ने एक छोटा सा आयोजन कर भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही गुस्सा भी जाहिर किया कि धर्म के ठेकेदारों ने हमें बांट रखा है, जबकि हमें इंसानियत को प्रमुख मानकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और भाईचारा कायम रखना चाहिए। हाँ, बाजार में पत्थर मार्केट ने कल एक मिसाल कायम की। हिंदू और मुस्लिम ने मतभेद का कोई हमने उसमें भेद नहीं देखा। एक मोहम्मडंस के बच्चे को सारे पत्थर मार्केट में मिलकर बनौरी दी है। ये तो धर्म के ठेकेदार ही इसमें भेद करते हैं। कोई अल्लाह को पूजता है, कोई भगवान को। चीज तो एक ही है, ये धर्मावलंबी है, ये समाज को खतरा ही। और बाकी तो हर आदमी चाहता है कि हम भाईचारे से रहें, भाईचारा ही हमारा धर्म। झुंझुनू के सांप्रदायिक सौहार्द मिसाल पेश करने की कोई नई बात नहीं है। दिवाली पर दरगाह में दिए जलाने की बात हो, फिर या उर्स में कवालियों के साथ भजनों का कार्यक्रम हो, यही नहीं खाटू श्याम जाने वाले पदयात्रियों का स्वागत करने में भी मुस्लिम आगे रहते हैं, तो वहीं मुहर्रम के जुलूस में भी मुस्लिम भाइयों के लिए हिंदू भाई छबील लगाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे साफ होता है कि आज भी इंसानों के दिलों में गंगा जमुनी तहजीब जिंदा है। थार को ए बुलेट को ए कार एक डाकी की गरारी बदला दे समदनी आ दो चक्कर में।